और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मैं अभी हम कैमरा ऑन होने से पहले भी बात कर रहे थे कि आपने खुद ही बोला कि आप चेंज हुई हैं हाँ. मैं देख रही थी तो मैंने कहा यार ये ये जो ये ये जो कुछ साल पहले की मुवरा और अब की मुहावरा में मुझे इतना डेप्थ नज़र आती है इतनी थाट नज़र आती है एक मुझे डिफरेंट एंगल नज़र आता है तो सब चेंज होते हैं जिंदगी में जी ये चेंज ऑटोमेटिकली हो गया या ये चेंज आपने किया फर्स्टली आई आई फील दैट हैव कैमराज पहला तो मैं उन्नीस साल की थी टूडे एंड यू नो दस साल में कोई भी ग्रो करेगा लेकिन मेरी जो पूरी आई फील आई ग्रोथ की जो पूरी आर्क है वो हमेशा लाइक इट वॉज स्क्रूटनाइज और लाइक बिकॉज ऑबली एक प्रिविलेज भी है और एक खुशकिसमती है कि लोग आपको जानते हैं और प्यार करते हैं बट उसकी एक ये साइड भी है कि आपका फिर कुछ भी कोई भी ग्रोथ कोई भी गलती कोई भी अच्छाई वो फिर सब के सामने है एंड यू नो इट्स ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ स्क्रूटनी और एनी काइंड ऑफ काइंडिसिजम और अप्रिसिएशन सो इवन यू नो वैन दैट आई सेड कि द वर्ल्ड कैन यू नो इट वॉन्ट कलेप्स विदाउट विद वन लेस ओपिनियन तो ये बात भी आई फील लाइक आई लर्न टॉन्ग द वे

ये मिलाप है जो ये चेंज हम देखें हाँ आई थिंक कि कुछ एक्सपीरियंस हाँ. आपको सिखाता है कुछ जिन लोगों से आप ख़ुद को सराउंड करते हैं आई फील लाइक आई हैव हैेरी लक्की पास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बिन वेरी क्लोज टू पीपल हु वांट मी टू ग्रो हु वांट मी टू डू बेटर इन लाइफ एंड मुझे लगता है कि उससे बहुत मेरी ग्रोथ हुई है एंड ऑफकोर्स यू नो अलोंग द वे जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है okay. और स्पेशली कोविड टाइम्स हैव आई थिंक सबको हिला hmm. के रख दिया है और yeah. सब ने सीखा है from, yeah. from yeah. ने कैसे इम्पेक्ट किया आपको मैं सुन रही थी आपने कहा is जी In fact, आपने उसको पॉजिटिवली उसमें बोला मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगी है बात एक्चुअली मुझे कोविड से पहले पता ही नहीं था कि आई कैन स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ विच इज़ अ वेरी वेरी बिग चेंज फॉर समबडी लाइक मी आई ऑलवेज आई ऑलवेज आई लव बी अराउंड पीपल

अब तो पोस्ट कोविड हमारे यहाँ पे भी सिर्फ इज जस्ट फोर फाइव आस लेकिन इवन ऑन सेट्स वी यूज टू हैव लाइक सेवेंटी एटी पीपल और एट लीस्ट फिफ्टी पीपल तो वो आपको एक आदत होती है एक शोर हंगामे mm. की कि हर वक्त आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज आ रही है सो यू आर ऑलवेज सराउंडड बाईर ऑफ पीपल विच इज वाई रियलाइज वोट इट्स लाइक टू हैव योर ओन कंपनी एंड यू नो इट्स लाइक like, आपको समंदर में फेंक दिया गया और अब कहा कि तैरो और <laughs> मुझे तो पता ही नहीं था इंसानों के बगैर रहते किस तरह है माई पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे यू you नो know, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे hmm. और आई वॉज मायसेल्फ माई हाउस वॉज अंडरलील्फ एंड लाइक वट इज माई माइंड से क्या ये मुझे आवाज़ें अपने आप से बात करने को यू you नो know, एक एक समझ नहीं आ रही थी सो आई थिंक पहले दस पंद्रह दिन बहुत डिफिकल्ट थे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ आई एम फीलिंग फीलिंगी और वट यू फील वन आर लोन बट स्लोली स्लोली आई लर्न हाउ टू लाइक सिट आइडल विद माई सेल्फ रीड अ बुक आई नो प्रैक्टिस योगा नमाज पढ़ें फिर मेरे दिन में एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई कि अच्छा अपने mm -hmm. साथ करने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं एंड देन आई डिवाइडेड माय डे देन आई मेड माय टाइम टेबल्स सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ स्लोड मी डाउन आफ्टर सच अ हेक्टिक यू नो लाइफ एंड रूटीन्स एंड शूटिंग एंड एवरीथिंग इट जस्ट सडनली स्लोड मी डाउन एंड आई हैड सो मच टू थिंक अबाउट एंड देन दुनिया में इतना कुछ हो रहा था जो कि बहुत अच्छा नहीं था yeah. और आपको उससे रियलाइज होता है कि आप कितने फॉर्चुनेट हो कि आप mm -hmm. एक यू नो एटलीस्ट आइसोलेट होने की लग्जरी आपके पास mm -hmm. कि यू आर नॉट वर्किंग फॉर मंथ्स एंड यू डोंट हैव टू थिंक कि ओ माय गॉड मैं काम नहीं कर रही करी हूं, तो mm -hmm. खाएंगे क्या यू नो सो सो मच और मैं न्यूज़ भी उन दोनों ज़्यादा सुनने लग गई एंड यू कैन से कि

तो अब मिस करती हैं अगर नहीं हो रही हैं चीज़ें साथ साथ एक्चुअली uh, मैं सबात की बात जब मैं इस्लामाबाद मूव हुई और क्योंकि मैं इस्लामाबाद से ही हूँ कमिंग बैक टू इस्लामाबाद मुझे रियलाइज हुआ uh, कि क्या आप कौन हैं आपने आठ साल नौ साल काम किया दो साल पहले की बात करी हूँ तो आप, कि, आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं क्या फ़िक्स करना चाहते हो सो so, जब मैं इस्लामाबाद आई और मैं अपने क्लोज सर्कल के अराउंड थी दोबारा से और अपनी फैमिली के अराउंड थी सो आई फील दैट दिस इज़ वेर आई वॉन्ट टू बी सो एवर सिंस उर्वा एंड आई आर नॉट लिविंग टुगेदर वरना वीर वेरी क्लोज टू इच अदर या फिर लिव इन द सेम हाउस और बचपन में तो वी लिव इन द सेम रूमो तो वो मुझे ये एक डिफरेंस आ गया कि अब हमारी लोकेशन जो हैं वो अलग अलग शहर हो गए हैं mm -hmm. लेकिन uh, हम फिर भी इन टच रहते हैं mm -hmm. हम रोज बात करते हैं हम uh, एक दूसरे को अपडेट देते हैं कुछ भी बात हमें पता चले <laughs> तो वो <laughs> बात का मज़ा नहीं आता जब तक वी डोंट शेयर इट विद वन बट आई फील लाइक उर्वा और मेरा रिलेशनशिप भी बहुत इवॉल्व हो रहा है विद टाइम क्योंकि पहले आप चाइल्डिश होते हो फिर आपकी टीन एज आती है एंड देन यू मच्योर तो आप बहुत यूनिकली और बड़े अलग तरीके से मशहूर होते हो एंड आई थिंक वी बोथ अप्रिशिएट द डिफरेंसेस एंड वी बोथ अप्रिशिएट द सिमिलैरिटीज़ एंड ना उर्वा कोशिश करती है कि मैं उस जैसी हो जाऊँ oh, ना मैं oh, कोशिश yeah. करती हूँ कि वो मेरे जैसी हो जाए या मेरी आइडियोलॉजीज को फॉलो करे सो आई फील लाइक वी आर वेरी यूनिकली एंड वेरी कंफर्टेबली इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर